This is the big story. Remember Manish Tiwari, and it is not just about Manish Tiwari. Very similar to Kamal Nath and other senior leaders or the old guard, so to say, of the Congress party. Manish Tiwari's father had been known with the Congress party. Even his grandfather had been a minister in the Congress government back then in Punjab. So it is again clearly a family, a dynasty that has been very closely associated with the Congress party. This is speculation for now. We would love to have a clarity from Manish Tiwari if he's watching this telecast, if he denies or approves of what these rumors are, so to say, right now. But can there be a smoke without fire? That's the issue here. Because remember, even Kamal Nath says, if something happens, if there is a development, we will then tell you, I'll be the first to inform you, is what he had said. For now, 24 hours later, no confirmation. हिमांशु मिश्रा कंटिन्यूज टू बी विद अस. हिमांशु, कमलनाथ की चर्चा चल ही रही थी कि मनीष तिवारी की भी अब बात आ जाती है, और मनीष तिवारी भी सिर्फ खुद अपने से नेता नहीं है, उनके पिताजी और उनके मेटर्नल ग्रैंडफादर भी कांग्रेस सरकार से जुड़े रहे थे. लेकिन आप हमें ये चीज बताएं इस वक्त, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से सोर्सेज इन्फॉर्मेशन आ रही है, जब हम कांग्रेस नेता से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये पर्सनल एम्बिशन हो गए हैं, अब अपनी राज्यसभा सीट चाहिए कमलनाथ को, या बेटे का सर्वाइवल है, या मनीष तिवारी को अपनी सीट चाहिए. अभी लुधियाना से एमपी हैं रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस पार्टी के, और टिकट नहीं मिल सकती. तो क्या ये इसको सीट का पर्सनल एम्बिशन माना जाए, या कांग्रेस लीडरशिप का फेलियर माना जाए कि वो अपने जो नेता है उनको साथ नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लीडरशिप का फेलियर है. जब आप अपने पुराने नेताओं से बात नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं पुराने नेताओं की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, पार्टी के अंदर जो भी खामियां हैं उस पर बात नहीं होंगी, तो लीडरशिप जो है के खिलाफ इस तरीके के स्वर उतरते हैं, और फिर राजनेता अपना जो है कहीं और भविष्य तलाशने की कोशिश भी करते हैं. पूजा, मैंने पहले भी बताया, और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के अंदर इस तरीके की हलचल जो है वो दिखाई देने लगी है कि कमलनाथ और उनके बाद अब मनीष तिवारी अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में और पंजाब में, बल्कि ये सेटबैक जो है आपको दिखाई देगा वहां पे भी, जहां ये नहीं है लोग जिस तरीके से अशोक चौहान ने छोड़ी पिछले दिनों, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मिलिंद देवड़ा, ऐसे तमाम लोगों की एक बड़ी फेहरिस्त है जिनका जनाधार रहा है, चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो जो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के एनसीपी में गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लंबा पैनल है. हिमांशु, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है. देखिए, छिंदवाड़ा जो सीट है जहां से 9 times बार बार इलेक्ट हुए हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमलनाथ, तो ये भी दिखाता है कि जो सीट लग रहा था हिंदी हार्टलैंड में है, जिसपे नहीं है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड, उसमें भी वो इंश्योर कर रहे हैं कि किसी तरह की बातचीत रहे. और कमलनाथ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे जंप शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन स्टेट इलेक्शन के टाइम भी थ्योरीज आ रही थी कि किसी तरह से कांग्रेस की तरफ से वो पुश नहीं दिख रहा. लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे हिमांशु, कि कमलनाथ का नाम आता है 1984 एंटी सिख राइट्स में, और बीजेपी का एक प्लैंक रहा है 1984 सिख राइट्स अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी, तो क्या ये बीजेपी के लिए भी मुश्किल नहीं हो जाएगा अगर कमलनाथ ज्वाइन कर लेते हैं, तो लोकल काडर अगर ये सवाल पूछेगा? देखिए, मुझे लगता है कि लोकल काडर भी यही चाहता है भारतीय जनता पार्टी का, कि किसी तरीके से जो है चीजें जो है स्मूथ हो जाए, और अगर कांग्रेस के नेता छोड़ छाड़ कर आते ही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक विनिंग सिचुएशन है. और अब 84 का जो राइट का मामला है वो मुझे लगता है इतना रेलेवेंट नहीं है. पूजा, भारतीय जनता पार्टी उसे चुनावी टूल के तौर पे नहीं यूज करती है. उनका सीधा सीधा कहना है कि हमको चुनाव जीतना है जी. और उसके लिए जो है अगर कोई हमारी विचारधारा को अपनाता है और अपनी पुरानी की गलतियों से उनको पछतावे तो जरूर आए. क्या कमलनाथ और अब जब मनीष तिवारी पे चर्चा चल रही, डू यू थिंक हिमांशु दैट दीज टू इंडिविजुअल्स, इवन दो सीनियर लीडर्स ऑफ द बीजेपी, इफ दे जंप शिप एंड ज्वाइन द बीजेपी, विल इट हेल्प द भारतीय जनता पार्टी? हिमांशु, किस तरह से ये प्रॉफिट करेगा बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन से पहले? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो बहुत विनिंग सिचुएशन है अगर पंजाब के अंदर मनीष तिवारी आते हैं. भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है अकाली दल के साथ ही चुनाव लड़ती रही है, 2022 का विधानसभा चुनाव छोड़ दे तो पिछले 2.5 दशक के अंदर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात का इल्म हो चुका है कि अगर हमको अलग जाना है तो अलग अलग पार्टियों के लोगों को लेके आइए, जैसे जिससे जनाधार बढ़े. अगर आपने देखा होगा, चाहे वो असम हो,
या त्रिपुरा हो या वेस्ट बंगाल हो, तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कुछ इसी तरीके से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार बढ़ा था उसके पीछे बड़ा कारण जो है वो एक कारण ये भी था कि वहां पे बहुत से लोग जो पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए थे या बाद में दूसरी पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो उस कारण जो है बीजेपी का जनाधार भी बढ़ा और उसके बाद पार्टी लगातार वहां पे मजबूत भी हुई है और लगातार चुनावों में जीत भी भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज। कोई रिस्पॉन्स अभी हिमांशु, कुछ आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है क्या? मनीष तिवारी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है कि ये सब झूठ है, यही कह दे कि सब गलत है, ऑल ऑफ दिस इज फॉल्स, ऑल ऑफ दिस इज रूमर मॉन्गरिंग, एनी स्टेटमेंट? पूजा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आग लगने की बात तब कही जाती है जब धुआं कहीं नजर आता है और कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, जब सेटलमेंट सारी चीजें हो जाएंगी, जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा तब जो है वो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट्स भी आएंगे और नेता ये भी कहेंगे कि हम क्यों नाराज थे, किस वजह से जो है कांग्रेस छोड़ने पड़ी है, क्यों हम भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, तमाम इश्यूज जो है आपको देखने को मिलेंगे। हिमांशु, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो जॉइन बाय पीयूष मिश्रा फॉर द लेटेस्ट ऑन दैट। पीयूष, एनी रिएक्शन कमिंग इन? कमलनाथ सेड इफ देयर इज अ डेवलपमेंट आई विल टेल यू क्लियरली, बट ही डिड नॉट डिनाई सच अ ह्यूज स्पेक्यूलेशन एंड नाउ द नेम कमिंग इन इज मनीष तिवारी ऑल्सो इन टच विद द भारतीय जनता पार्टी? Well, certainly the sources are suggesting that Manish Tiwari is also in touch with Bharatiya Janata Party, and this coming at a time when Kamal Nath is in national capital. In fact, he along with his son, both are in Delhi. They reached yesterday, and when we tried to get in a word from them, they are going to join BJP, Kamal Nath so far has not denied the fact he is going to join, but he said that whenever he will do so, he will inform the media about that. Today is the national executive which is taking place in Delhi, and we are also seeing that this development is coming at a time when the reports of joining of Kamal Nath are also coming at a time when top leaders are in Delhi. We'll have to wait and watch when is the official induction of Kamal Nath is going to take place. But there are many leaders from the Congress party who are not happy with the fact the Congress party is working, not happy with the fact Rahul Gandhi is working. We just spoke to Rita Bahuguna Joshi. Remember that she was one of the topmost leaders of the Congress party. She told us that many leaders from across the country are not happy with the way the Congress party is functioning in many states. We'll have to wait and watch when is the official joining of Kamal Nath is going to take place. But yes, now reports coming in that other leaders of Congress party are also in touch with BJP.